मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत से जमानत दे दी है, लेकिन गुजरात में एक और FIR दर्ज। मौलाना अजहरी को जमानत के बाद भी राहत नहीं, कक्ष पुलिस की हिरासत में रहेंगे और कल कक्ष की अदालत में पेश किए जाएंगे। अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC कानून, CM भजनलाल शर्मा ने दी जानकारी। 15 दिन ईरान घूमने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होगी, ईरान ने कुछ शर्तों के साथ भारतीयों के लिए वीजा फ्री ट्रेवल का ऐलान किया। सरकार फिल्में करती है टैक्स फ्री और कफन पर GST, राज्यसभा में बोले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। हम लोग जो पहले 20 साथ में थे, बीच में 2 बार इधर उधर हो गए, लेकिन अब इधर उधर नहीं हो रहेंगे, बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा। उत्तराखंड विधानसभा में सम्मान नागरिकता संहिता UCC उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित होने पर उत्तराखंड के CM का पुष्प वर्षा से स्वागत। शरद पवार की पार्टी का नया नाम NCP, शरद चंद्र पवार। CM मोहनलाल यादव ने किसान के साथ गाली गलौज करने वाले SDM को हटाने के निर्देश दिए, उन्हें जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कांग्रेस 40 सीटें भी बचा पाए, संसद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार की पहली मुलाकात, CM नीतीश ने PM मोदी से गुलदस्ता भेंट किया। कोर्ट से CM केजरीवाल को बड़ा झटका, ED की अर्जी पर 17 फरवरी तक पेश होने का आदेश। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कांग्रेस के 2 विशेष कमांडर सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा देर तक बोल पाए, राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर तंज। जिस कांग्रेस की अपने नेता की गारंटी नहीं, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं, राज्यसभा में बोले PM मोदी। भाजपा में जयंत चौधरी के जाने की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा जयंत चौधरी राजनीति को समझते हैं। हम 11 फरवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे, हमारा वहां जाने का कोई औचित्य नहीं बनता, सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। अगर किसी की टांग टूटी है तो इलाज से पहले एक्सरे जरूरी है, वैसे ही जातिगत जनगणना देश का एक्सरे है, राहुल गांधी।